हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेशनल लीडर हैं चिराग पासवान, निष्क्रिय हैं, हम लोगों पर केवल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना बड़ा जन समस्या है, इसके लिए हमसे क्या चाहते हैं? अगर इतना बात भी पूछ लेते तो हम लोग को लगता कि मेरा सांसद बहुत मजबूत है, हमारा सांसद हमारे लिए कुछ कर रहा है। बिहार फर्स्ट का नारा हवा हवाई नेता है संसद, हवा हवाई नेता है। बात मोदी जी का लहर था, दो बार जीत गए जनता, हम लोग भी वोट मैंने करर से दिए है, कड़कड़ा के संसदीय क्षेत्र में वो आते हैं, सीधे जमुई चल जाते हैं, शेखपुर में मैंने पैर धरते हैं, दो चार गो कार्यकर्ता उनका है, फूल माला उला पहना देता है या फिर गाड़ी बैठते हैं चल जाते हैं। कहाँ एक दिन तो एनएचआई का सड़क बना ना, यहाँ कोई एम्स का अस्पताल का, मतलब आप समझ रहे हैं, आप जिस परिवार से आते हैं वह परिवार जो है भारत में परिचय का मोहताज नहीं है, और हम गौरव करते थे कि हमारा सांसद चिराग पासवान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, अभी हम सिरारी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यह क्षेत्र जो पड़ता है जमुई संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस संसदीय क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव जीत कर जाते हैं, अभी यहाँ से के सांसद हैं, और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये रेलवे स्टेशन है, और ये आज नहीं पुराना रेलवे स्टेशन है, डबल लाइन है, और अभी तक यहाँ की समस्या है कि यहाँ पर एक भी ओवरब्रिज नहीं है, रेल क्रॉस करके ही, पटरी क्रॉस कर ही लोग आते जाते हैं। इन्हीं सारी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे, हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धन जी हैं और कुछ लोग हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये ट्रेन जा रही है हावड़ा, हावड़ा गया ये पैसेंजर ट्रेन है। बुद्धन जी, क्या समस्या है यहाँ का? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले सभी आपके दर्शक को प्रणाम। हम लोग विगत एक साल से, डेढ़ साल से हम लोग सिरारी के अगल बगल लगभग 40 गांव के लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कभी रामधुनी कर रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, और कभी जो है शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगले ही साल 2022 में 10वां महीना में ही रेलवे के द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ था कि सिरारी ये 5C रेलवे घूमती थी, क्यूल गया रेलखंड पर 5C रेलवे घूमती थी, इस पर हम लोग का फुट ओवर ब्रिज बनना था, जो चिट्ठी मिल गया है पर अभी तक जो है फुट ओवर ब्रिज में काम नहीं हुआ, जिससे कि आम लोग, बुजुर्ग लोग, माता बहन, छात्र छात्रा को आने में काफी परेशानी। अच्छा, ये बताइए, राम धुनी और थाली बजा लिए है ना, सारा जो है कर लिए है ना, धरना भी दे चुके हैं, पत्राचार भी सारे पत्राचार भी कर चुके हैं, पत्राचार भी सभी लोग से किए ओवरब्रिज के लिए, ओवरब्रिज के लिए अभी तक नहीं मिला। नहीं, यहाँ वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कैसे लोग जो है, देखिए कैसे क्रॉस करते हैं, यदि जाना होगा तो कैसे जाते हैं लोग, और कितने लोग हैं, कितने गांव इस रेलवे लाइन एनएचआई को जो है उधर जोड़ता है, उधर 333 एनएचआई है, चेवाड़ा प्रखंड है ये, मतलब एसएच को एनएचआई को जोड़ता है। अच्छा। इसके बीच में लगभग हम लोग लगता है 40 से 50, मेरा कहने का मतलब है कितना आबादी के लोग वहाँ रहते हैं, कितना आबादी उस साइड में, 40 से 50 गांव है, 50 गांव गांव है, बोलिए जिसका मुख्य है ना, और मुख्य मार्ग यही है, यही आने जाने का मार्ग है, मुख्य मार्ग यही है, मार्ग यही सब है, यही से आना जाना होता है 40 गांव का, तो ऐसे ही क्रॉस करते हैं, पर नीचे भी कहीं आते हैं, व्यवस्था नहीं है, पुल का मांग किया गया है, सर भी बोले आप लोग आएंगे दिखाना चाहेंगे, देखिए कैसे जो है साइकिल और जो है आम लोग जो है क्रॉस करके जा रहे हैं, रेलवे पटरी के तरफ से ही जाते हैं। जी जी, है ना, ओवर ब्रिज होता तो कम से कम दुर्घटना होने की आशंका नहीं होती, कभी भी दुर्घटना के लिए सात्रा आती है उसको भी दिक्कत होता है। ये बताइए, दुर्घटना कभी हुआ, कुछ घटा है घटना? जैसे होने से बचा है, होने से बचा है। अब जैसे हम लोग का सिरारी गांव का आधा
आधा उपजाऊ जमीन उसी साइड है, ठीक है। हमारा गांव का महादलित टोला उसी साइड है, उसका मुख्य बाजार सिरारी है, उसका बैंक बाजार और उसके बाद क्या बोलता है थाना स्कूल सारा हाई स्कूल प्लस टू स्कूल सब कुछ सिरारी में। तो वो कभी भी अब इसमें क्या करता है रेलवे चार नंबर जो लाइन बिछाई है उसमें परमानेंट अपना गाड़ी खड़ा कर देता है, तो खड़ा कर देता है। अगर हम अच्छा इमरजेंसी केसेस में आप लोग क्या करते हैं? जैसे अब हम लोग को दूर से घूर के आना पड़ता है, दूर से हम लोग को घूम के आना पड़ता है, हाँ दूर से कितना किलोमीटर पर क्रॉसिंग? 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर, वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 4-4.5 किलोमीटर हो गया, 4.5 किलोमीटर। हाँ, जो बस 2 मिनट का रास्ता है उसके लिए 15 मिनट का समय देना पड़ता है, 20 मिनट समय देना पड़ता है। एक साल से अब ही जैसे हमको चीफ इंजीनियर हाजीपुर से है ना, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हाजीपुर महोदय से भी बात हुआ, तो बोले कि इरकोन के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करें। ये विगत हमको लगभग 6 महीना से ही कह रहे हैं इस सप्ताह में काम हो जाएगा, इस सप्ताह आपके यहाँ काम चालू हो जाएगा, पर काम चालू नहीं हो पा रहा। हम लोग अभी भी धैर्य में है, हम लोग अभी भी धैर्य में है, कोई ऐसा आपत्तिजनक काम नहीं कर धैर्य करती है। लेकिन यहाँ से सांसद जो है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनका कभी सहयोग नहीं, नेशनल लीडर हैं चिराग पासवान, निष्क्रिय हैं, हम लोगों पर केवल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत बार उनको कहा गया है और उनका जो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ आकर धरना पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष हैं गजाली जी हैं। अच्छा इमाम गजाली जी हैं। हाँ, तो अच्छा वो भी धरना में आके बैठे हैं। हाँ, लेकिन उनका भी नहीं सुनते हैं, कभी ना ऐसा कोई पहल मतलब नहीं हो रहा। पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली साहब की जितनी भी धन्यवाद देना चाहिए, चूंकि पार्टी के विरोध में बैठना है ना, पार्टी में रह के और आम लोगों के बीच में बैठते हैं, लेकिन तब तक जो है उनका माने उसका आवाज सांसद के कानों तक नहीं जाती। नहीं 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 अभी तक तो नहीं, कभी वो कभी इस बात को नहीं पूछने सके कि इतना बड़ा जन समस्या है इसके लिए हमसे क्या चाहते। अगर इतना बात भी पूछ लेते तो हम लोग को लगता कि मेरा सांसद बहुत मजबूत है, हमारा सांसद हमारे लिए कुछ तो सांसद तो पूरे बिहार का स्लोगन देते हैं, पूरे बिहार को विकसित बनाने की बात करते हैं। बिहारी फर्स्ट, एक सेकंड आइए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। हवा हवाई नेता है सांसद, हवा हवाई नेता है। बस मोदी जी का लहर था, दो बार जीत गए जनता, हम लोग भी वोट मैंने करर से दिए है, करकरा के एकदम, हम लेकिन काम नहीं करते हैं धरातल पर कोई काम। कितना बार वो आते हैं अपना संसदीय क्षेत्र में? संसदीय क्षेत्र में वो आते हैं, सीधे जमुई चल जाते हैं, शेखपुरार में मैंने पैर धरते हैं, दो चार गो कार्यकर्ता उनका है, फूल माला उला पहना देता है या फिर गाड़ी बैठते हैं चल जाते हैं। कहाँ एक दिन शेखपुरा मतलब पब्लिसिटी लेने के लिए सिर्फ आते हैं, बस पब्लिक सिटी नहीं, वो अपना कोई काम से जमुई फलना जाते हैं, उसी में वो रास्ता से आते जाते हैं, इससे कोई पब्लिक। आप लोग सांसद महोदय से इसके लिए मिले हैं स्पेशल? दिया है हमारे दिए हैं सांसद महोदय से लिखित, क्या आश्वासन क्या मिला? कुछ भी नहीं, उधर से कुछ भी नहीं। गजाली बाबू से हम लोग संपर्क साधे कि गजाली बाबू हम लोग का धरना है ऐसे है, वो बेचारे अपना शरीर से आके बेचारे व्यक्तिगत दिए। यही काम हमने इनके अपने सांसद प्रतिनिधि जीवन सिंह से भी बात की, मतलब 10 साल 10वां साल है हमारे सांसद चिराग बाबू का, 10 साल में उनके द्वारा शेखपुरा जिला में शेखपुरा विधानसभा में 5 रुपया का कोई जनहित बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं, कोई काम ना यहाँ एयरपोर्ट बना, ना यहाँ कोई NHI का सड़क बना, ना यहाँ कोई एम्स का अस्पताल का, मतलब आप समझ रहे हैं, आप जिस परिवार से आते हैं वह परिवार जो है भारत में परिचय का मोहताज नहीं है, और हम गौरव करते थे कि हमारा सांसद चिराग पासवान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगला बार सूरजभान बाबू आए कहें करे समय नहीं मिला, इस बार फिर से मदद कर दीजिए, हम लोग तो मदद कर दिए। इनका घर भदौंस हुआ, हमारा घर सिरारी हुआ, इनका घर बर्मा हुआ, इनका घर सुल्तानपुर हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? सुल्तानपुर। तो सब अपने अपने गाँव का है, अलग अलग गाँव का है, और जनता तो है विश्वास करके मत दे ही देते हैं, चाहे सूरजभान बाबू चाहे गिरिराज बाबू चाहे नरेंद्र मोदी की बातों पर दे ही देते हैं, चिराग पासवान जीत कर जाते ही हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद महोदय जो है कभी ध्यान नहीं देते हैं और चिराग पासवान कभी ध्यान नहीं देते। भगवान करे कि मेरा सांसद पूरे
विश्व में चर्चित हो जाए, मेरा माटी का बेटा विश्व में चर्चित हो जाए। हाँ। पर अपना घर भी तो देखिएगा ना, अपना क्षेत्र भी देखिएगा ना, अपना माटी को भी देखिएगा ना कि हाँ हम जिसका जिम्मेवारी लिए वो आदमी मेरा कैसा खुशहाल है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ठीक है, अच्छा बात है। पर आ जाते हैं, हवा ला देते हैं। आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र खुशहाल नहीं है। जब अपना एक संसदीय क्षेत्र खुशहाल है, बिहार के जब अपना संसदीय क्षेत्र नहीं विकास कर पाएंगे, जब वहाँ अपने संसदीय क्षेत्र के लोग खुश नहीं रहेंगे, पूरे बिहार कैसे खुश रहेगा। सर आप इनसे पूछिए, चिराग बाबू से, कि हर तीन महीना पर महेंद्रू में बैठक होती है। हाँ। रेलवे से संबंधित। हाँ। आप हमारे रेलवे, जिस रेलवे में चिराग बाबू को पैसा नहीं देना, रेलवे में सिर्फ चिराग बाबू को एक अनुशंसा करना है और एक जी सर प्रणाम सर करना है, हो सकता है। बड़े नेता है, इनसे आओ आशा क्या लगा सकता है, नली गली ढलैया का। इसे बड़ा नेता नली बनावेगा, पीसीसी करेगा, चापाकल गाड़ेगा, तो मुखिया वार्ड कमिश्नर जिला परिषद शर्म की बात है। ये नली गली का जो काम करे, चापाकल गाड़े, तब ये तो कम से कम शर्म की बात है। तब जैसे एक भी नहीं बता सकेंगे 10 साल में कि हाँ जी हम फलनवा से फलनवा तक रोड जोड़ दलियो, जो कि अब तोरा 2 घंटा बच जित, एक भी काम नहीं, एक भी ऐसा कोई काम नहीं। वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो का ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि चिराग पासवान के प्रति जो लोग आशा किए रहते हैं कि ये बहुत ही विकास पुरुष हैं, विकास करने वाले हैं, और जो लोग कहते हैं कि अगला सीएम बनाएंगे, उनके लिए तगड़ा झटका है। आखिर हम लोग तो हैं अपने क्षेत्र की जनता का ये आवाज है। 10 साल से ये हमारे सांसद हैं। हम लोग जो हैं भूमियार समाज के लोग हैं, हम लोग इनको बढ़ चढ़ के मदद किए, मतलब यहाँ पर आपको दिखाएं ना, 5 गांव के लोग हैं, अब 5ों गांव के लोग इनको मदद किए बढ़ चढ़ के। हाँ। 5ों गांव में उनका वोट पड़ा है कि नहीं? हाँ। जरी मनी 5ों गांव में वोट नहीं पड़ा है। हाँ। हमको लगता है 2-4-5% हाँ। अदर पार्टी को पड़ा होगा। हाँ। नहीं तो चिरागे वोट गरीब ठोक के देते हैं। हाँ। देखने के लिए नहीं, वही जो बोले चुनाव आने वाला है 2024 के। हाँ। क्या कीजिए, अबरी तो उहे होते है जैसे ही कलखिन है, अबरी पटिया से हट के दो, पटिया से हट के दे कहे पटिया के किन खरा टिकट नहीं दहो। यदि पार्टी फिर टिकट दे दिया चिराग पासवान, टिकट दे देती तो पार्टी बुझती। हाँ पार्टी में गद्दारी होते, पार्टी में आज तोरी जनता साथ तो गद्दारी कर भो सर, तो तोरा साथ जनता छोड़ देते। हाँ। विकास क्या कीजिएगा, ये तो सही बता रहे हैं ना, कि अगर हमारे कुछ काम में नहीं कीजिएगा तो फिर कहल रहिएगा की कर भो। वही जो सब लोग बोल रहे हैं, अबरी उनको धक्का देना चाहिए, धक्का देना चाहिए। तो धक्का दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अगला चिराग पासवान? मुख्यमंत्री तो बात की बात नहीं होगा, मुख्यमंत्री 25 में चुनाव होगा, 24 का पहले यही ठेस देंगे, पहले उनको झटका मिलेगा। देख रहे थे ये सिरारी का आवास, यहाँ के लोग चिराग पासवान के प्रति, चूंकि 10 सालों से यहां से सांसद हैं, और काम का मूल्यांकन करें तो कोई ऐसा काम नहीं किए हैं 5 सालों में जनहित के लिए जो इनके नाम लिया जा सके। आपका प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सांसद महोदय तक की आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि एक बार उनका ध्यान खुले और इस क्षेत्र में आके कम से कम देखें, इनकी आवाज सुने, इनका दुख दर्द पर मरहम लगाने का काम करें। धन्यवाद।